13 जून 2021 का ही दिन था जब पार्टी ने वो एक बुरा दौर देखा। पार्टी में एक बड़ी टूट की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। ना सिर्फ उस दिन पार्टी टूटी थी बल्कि परिवार भी टूटा था। हम में से किसी को नहीं पता था कि जो परिस्थितियां हम लोग के सामने गढ़ दी गई हैं, क्या इन परिस्थितियों से हम लोग कभी उभर भी पाएंगे। मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पर भी वो एक बहुत कठिन दौर था। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का साया हम लोगों से उठ चुका था। ऐसे में कई विरोधी घात लगाए बैठे थे हम लोगों से एक चूक होने के इंतजार में। हम लोग एक गलती करें और वो हम लोग का गिरेबान आकर पकड़े। आज 13 जून 2024 का ये दिन कई बार संजो देखे कैसा होता है, समय का चक्र कैसे चलता है। हमारे जमुई से सांसद अरुण भारती जी ने जिक्र किया कि यही महीना था जब आप लोगों ने अपना समर्पण पार्टी के प्रति दिखाया था। ये महीना ही नहीं था बल्कि आज ही का दिन था, 13 जून 2021 का ही दिन था जब पार्टी ने वो एक बुरा दौर देखा। आज ही के दिन आज से 3 साल पहले शाम रात का समय था, 8:30 बजे का समय था, जब यहाँ पर मौजूद मेरे मीडिया के तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से पार्टी में एक बड़ी टूट की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। और ना सिर्फ उस दिन पार्टी टूटी थी बल्कि परिवार भी टूटा था। वो दिन हम सबके लिए एक कठिन दिन था, पर ना सिर्फ आप लोगों ने उस दिन ये वादा किया और पार्टी के प्रति आप लोगों ने समर्पण का विश्वास जताया, बल्कि उस दिन से लेके आज तक आप लोग पार्टी की आत्मा बनकर, पार्टी की रीढ़ बनकर, पार्टी की ताकत बनकर पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का आप लोगों ने काम किया। एक बार जोरदार ताली आप लोग हमने ले बजाई। साथियों, कोई दल, कोई पार्टी, कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं के बिना कुछ नहीं होता। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, अगर आप लोग नहीं तो हम में से किसी की औकात नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। ऐसे में जो समर्पण, जो विश्वास आप लोगों ने पार्टी के उस कठिन दौर में दिखाया, बिना इस बात की उम्मीद किए हुए, बिना ये सोचे हुए कि आने वाले दिनों में पार्टी को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोगों को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। हम लोग ईमानदारी की बात मैं करता हूँ, एक अंधेरी गुफा में हम लोग सिर्फ रोशनी की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। हम में से किसी को नहीं पता था कि जो परिस्थितियां हम लोग के सामने गढ़ दी गई हैं, क्या इन परिस्थितियों से हम लोग कभी उभर भी पाएंगे। और ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। आप कल्पना कीजिए जिस पार्टी से उस पार्टी का नाम छीन लिया जाता है, जिससे उस पार्टी का सिंबल छीन लिया जाता है, जिससे उस पार्टी के कार्यालय तमाम, उस पार्टी का कार्यालय बोलो बैठे मतलब उस पार्टी का कार्यालय, उस पार्टी के पदाधिकारियों को छीनने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में हम लोगों ने पूरी तरीके से एक नई शुरुआत हम लोगों ने करने का प्रयास किया। मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पर भी वो एक बहुत कठिन दौर था। इस बात का तो दुख था ही मुझे कि मेरी पार्टी और एक ऐसी पार्टी जिसको मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया, उन्होंने पूरी ताकत अपनी लगाई पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। तमाम वो पुराने साथी जो आज भी सदन में मौजूद हैं, वो लोग जानते हैं
कि जब मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में पार्टी की शुरुआत की और लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से बंगला छाप के नाम से उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने की सोच के साथ सन 2000 में इस पार्टी की नींव को रखा। उनके रहते भी पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे। हम लोगों ने 2004 का वो चुनाव देखा जब पार्टी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और एक नई जीत हासिल की। 4 सांसद उस वक्त हम लोग के जीत कर आए थे। पर हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब 2009 में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रह पाया था। हम लोगों के सांसद उस वक्त जीत नहीं पाए थे। पर उस वक्त भी मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कतई कभी हार नहीं मानी और वो उसी तरीके से संघर्ष करते रहे। अगले 5 साल उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर अपने आप को पार्टी के प्रति समर्पित करने का काम किया और उनकी इसी मेहनत और इसी संघर्ष का परिणाम था कि 2014 में पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। 7 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 6 सांसद हम लोगों के पार्टी से जीत करा और 2019 में भी हम लोगों ने इसी परिणाम को दोहराने का काम किया। 6 सीटें लड़े और 6 की 6% हम लोगों का प्रदर्शन हम लोगों का स्ट्राइक रेट रहा। 6 लड़े 6 की 6 जीते। इस बार विपरीत परिस्थितियां थी। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का साया हम लोगों से उठ चुका था। उनका मार्गदर्शन हम लोगों के साथ नहीं था ऐसे में कई विरोधी घात लगाए बैठे थे हम लोगों से एक चूक होने के इंतजार में। वो लोग अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे कि हम लोग एक गलती करें और वो हम लोग का गिरेबान आकर पकड़े। उन लोगों ने बार बार इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि इस बार पार्टी उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकती जो हमारे नेता के नेतृत्व में होता था। उन लोगों ने पूरी ताकत झोंकी। कई अपने भी थे जिन्होंने ये भीतर घात करने का प्रयास किया। कई अपने इस मौके की तलाश में थे कि पार्टी गलती करे, परिणाम में कोई चूक हो और हम लोग इनके सर पर चढ़ें। पर जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे, जो लोग ऐसी कल्पना कर रहे थे, वो लोग भूल गए थे कि ये पार्टी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पार्टी है, उन्हीं के विचारों उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। वो लोग भूल गए थे इस बात को कि ये पार्टी मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। और वो लोग इस बात को भी भूल गए थे कि उनके जाने के बाद इस पार्टी का नेतृत्व उन्हीं का अंश उन्हीं का खून उन्हीं के संस्कारों उन्हीं के विचारों से सीख कर आगे बढ़ने वाला कोई और नहीं, एक शेर का बेटा चिराग पासवान। उसको आगे बढ़ने